भाग्यश्री डोंगे वीकेबी न्यूज की प्राइम टाइम न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। एकनाथ शिंदे से मिले शिवसेना के 12 सांसद, लोकसभा में अलग गुट के रूप में चाहते हैं मान्यता। वाड़ी पुलिस द्वारा ड्रग्स पाउडर समेत आरोपी गिरफ्तार, कुल 1,21,000 रुपए का मुद्देमाल जब्त। और उप मुख्यमंत्री का नागपुर हवाई अड्डे पर हुआ आगमन, किया बाढ़ की स्थिति का निरीक्षण। अब खबरें विस्तार से। शिवसेना के शिंदे गुट की अब पार्टी पर कब्जे की लड़ाई तेज हो गई है। लोकसभा सदस्य श्रीकांत शिंदे ने मंगलवार को शिवसेना संसदीय दल में फूट की चर्चा के बीच अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। इससे पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने 12 सांसदों से मुलाकात की थी। एकनाथ शिंदे मंगलवार को उद्धव ठाकरे खेमे द्वारा दायर 16 विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिका पर कानूनी रणनीति की समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी में है। MIDC पुलिस थाना अंतर्गत मुखबिर से मिली गुप्त जानकारी पर कार्रवाई कर पुलिस ने एक युवक को देसी कट्टे के साथ गिरफ्तार किया है और इस मामले में आगे की जांच पुलिस कर रही है। MIDC पुलिस थाना अंतर्गत पुलिस ने गोपनीय जानकारी मिलने के बाद एक युवक को देसी कट्टे के साथ गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी दिनबंधु उर्फ विवेक संतोष यादव MIDC निवासी बताया जा रहा है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार MIDC पुलिस की टीम को गोपनीय जानकारी मिली थी कि भीमनगर वार्ड आंगनवाड़ी के पास एक युवक पिस्तौल लेकर घूम रहा है। इसी सूचना पर तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी दिनबंधु उर्फ विवेक संतोष यादव को गिरफ्तार कर जब उसकी तलाशी ली तो उसकी कमर में एक देसी बनावट कट्टा मिला। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह कैटर्स का काम करता है और काम के सिलसिले से ही झारखंड से इस कट्टे को खरीद कर नागपुर लाया था। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। 17 साल 22 शस्त्र घेऊन येत आहे अशी माहिती मिळाली असल्याने आमची जी टीम होती वाहन पथकात ती टीम त्या ठिकाणी गेली होती। त्या ठिकाणी एक इसम पकडला, त्याचं नाव होतं दिनबंधू व विवेक संतोष यादव, 20 वर्ष भीमनगर राहणार किराणा दुकानाजवळ। त्याचा अंगधर्ती घेतली, त्याच्याकडे एक देशी कट्टा मिळाला। देशी कट्टा त्यांनी झारखंडमधून आणलेला होता। तो देशी कट्टा तो कुणाला तरी विकण्याच्या उद्देशाने या ठिकाणी आणलेला होता। करता त्याच्याविरुद्ध कलम 3-25 आणि 5-25 नुसार कारवाई करून घेतली, त्या ताब्यात घेतलेलं आहे। पुढील कारवाई एस एस जाधव करीत आहे। वीकेबी न्यूज के लिए कैमरा पर्सन रोशन बोकड़े के साथ वैदही चौहान की रिपोर्ट। गोंदिया में प्रतिवर्ष अनुसार अनेक बुद्ध विहार में वर्षावास का आयोजन किया जा रहा है। सुबह 6 बजे तथा शाम 6 बजे बुद्ध वंदना तथा धम्म देशना उपासक उपासिका भंते जी द्वारा भगवान बुद्ध की करुणा में पुष्प बल प्रदान कर रहे हैं, जिसके कस्तूरबा वार्ड तथा मैत्रेय बुद्ध विहार भीमनगर में वर्षावास की शुरुआत हो गई है। वाड़ी पुलिस थाना अंतर्गत पुलिस ने पेट्रोलिंग करते समय एक संदेहजनक गाड़ी की चेकिंग की, जिसमें उन्हें मेफोड्रेन ड्रग पाउडर मिला। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कुल 1,21,000 रुपए का मुद्देमाल जब्त कर लिया है और आगे की जांच पुलिस कर रही है। आज मंगलवार NDPS टीम द्वारा प्राप्त सूचना पर आरोपित नाम धनंजय ज्ञानेश्वर वैरागड़े को चिकन की दुकान के सामने लालगंज झाड़े चौक शांतिनगर में पुलिस ने स्टाफ की मदद से हिरासत में लिया और उसके पास 5 ग्राम मेफोड्रेन ड्रग पाउडर जिसकी कीमत 50,000 रुपए बताई जा रही है, साथ ही 21,000 मूल्य के 3 मोबाइल और 50,000 मूल्य की एक कार, नगद 500, ऐसे कुल 1,21,000 रुपए का मुद्देमाल पुलिस ने जब्त किया है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आगे की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। वीकेबी न्यूज के लिए कैमरा पर्सन रोशन बोकड़े के साथ वैदही चौहान की रिपोर्ट। राज्य में मौजूदा भारी बारिश के चलते कई जिलों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। मानसून के दौरान बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। यह बयान कलेक्टर नैना गुंड ने 16 जुलाई को गोंदिया और तिरोदा तालुका में संभावित बाढ़ संभावित गांवों के निरीक्षण के दौरान दिया।
जिले के 96 गांव संभावित बाढ़ जोखिम में है। मानसून की अवधि शुरू हो गई है और जिले में बारिश ने भारी उपस्थिति दर्ज कराई है। गोंदिया जिले में पिछले सप्ताह भारी बारिश की सूचना है, इसलिए कलेक्टर नैना गुंडे ने बाढ़ प्रवण गांवों की भौगोलिक स्थिति को देखने के लिए राजेगांव, बिरसोल, कासा, कांटी, किंदगी पार, दिवरटोला गांवों का दौरा किया और स्थानीय लोगों के साथ बातचीत और बाढ़ की स्थिति की योजना और भौगोलिक स्थिति का निरीक्षण किया। इस साल इस अवसर पर कलेक्टर के साथ संतोष खांडे, तहसीलदार गोंदिया अनिल खटकर, अतिरिक्त तहसीलदार गोंदिया शहर, जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी राजन चौबे, कार्यपालक अभियंता राज कुरेकर, बाढ़ नियंत्रण अधिकारी महेश भंडारकर और अभिषेक यादव, इंजीनियर जयंत तिराले मुख्य रूप से उपस्थित थे। वीकेबी न्यूज के लिए गोंदिया से सतीश पारधी की रिपोर्ट। खबरों के सिलसिले में वक्त हो चला है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 1 डिग्री 3 जॉब अपॉर्चुनिटीज। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटक बैंक, नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो, बाहर बाहर उठो बैठो, उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com। आप सभी का स्वागत। बुधवार 13 जुलाई को तालुका में भारी बारिश के कारण पारशिवनी नगर पंचायत की मुख्य पाइपलाइन बह गई, इसलिए पिछले 6 दिनों से पारशिवनी शहर के 17 वार्डों में से 12 वार्डों में पानी ठप है। जल विभाग के ठेकेदार की समस्या पर ध्यान नहीं देने के कारण शहरवासी पिछले 6 दिनों से बरसात के मौसम में पीने के पानी के प्यासे है। पानी नहीं मिलने से नागरिक आक्रोशित है। बाढ़ के कारण आमगांव नाले से गुजरने वाली पाइपलाइन पर बड़ा पेड़ गिर गया, पाइपलाइन टूट गई, 50 फीट पाइप बाढ़ में बह गया। जलपूर्ति व्यवस्था प्रभावित, इसके चलते पारशिवनी शहर के वार्ड नंबर 1 से 9 व 12, 16 व 17 में पानी की आपूर्ति ठप हो गई है। शेष 5 वार्डों में पलोरा के पास एक कुएं से पानी की आपूर्ति की जा रही है। आमगांव के नाले में बुधवार से शनिवार तक पानी भरा रहा, इसलिए नाले में जाकर पाइपलाइन मरम्मत का काम नहीं हो सका। नगर पंचायत अध्यक्ष कुमारी माधुरी श्याम भिमटे ने दिया, नगर अध्यक्ष श्रुति प्रतिभा कुंभालकर ने फोन पर कहा कि शहर में टैंकरों से पानी पहुंचाया जा रहा है और जल्द ही शहरवासियों को पानी मिलेगा। वीकेबी न्यूज के लिए पारशिवनी से कमल यादव की रिपोर्ट। राज्य के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज रात करीब 8:30 बजे नागपुर पहुंचे। फडणवीस कल वर्धा और चंद्रपुर जिलों में बाढ़ की स्थिति का निरीक्षण करेंगे, उसके बाद नागपुर में इस संबंध में विभागीय स्तर की समीक्षा बैठक होगी। नागपुर हवाई अड्डे पर पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार और आर विमला ने उपमुख्यमंत्री का स्वागत किया। फार जास्त प्रमाणात पाऊस झालेला आहे, वर्धा जिल्हा अतिशय वर्स्ट अफेक्टेड आहे, चंद्रपूर जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात पाऊस आहे, गडचिरोलीला पूर परिस्थिती ऑलरेडी त्या ठिकाणी तयार आहे, त्यामुळे एक अतिशय इमर्जन्सीची ही परिस्थिती आहे। आम्ही सातत्याने सगळ्या प्रशासनाच्या टचमध्ये त्या ठिकाणी आहोतच। उद्या मी स्वतः
वर्धा जिल्ह्यामध्ये आणि चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये जाणाऱ्या विशेषतः ज्या भागामध्ये सर्वात जास्त पाणी आहे त्या भागाची पाहणी मी करणार आहे आणि उद्या जे काही आपला हा जो नागपूर विभाग आहे या नागपूर विभागाच्या सगळ्या प्रशासनासोबत उद्या मी बैठक देखील करणार आहे आणि जी काही तातडीची उपाययोजना करण्याची आवश्यकता आहे ती सगळी आम्ही करू. गोंदिया पंचायत समिती गोंदिया अंतर्गत आने वाले चारगाव ग्राम पंचायत में क्षेत्रीय विधायक विनोद अग्रवाल के निधि से रोड निर्माण किया गया. कार्य में ग्राम के सभी सदस्य उपस्थित थे. प्रेस वार्ता में तथा जाकर निरीक्षण कर दस्तावेज अनुसार कार्य दिखाई दिया है जिसमें ग्रामवासियों ने रोड काम की सराहना की और सभी ने कुछ विघ्न संतोषी लोग बदनाम करने की साजिश करने की बात कही. हमने आवेदन लगाए थे और हमको जरूरत थी इस रोड की और ये रोड जो सरपंच साहब है ये बांध का मजबूती तरह से किए हैं और सब इस गली वाले को कोई तकलीफ नहीं है. विरोधी पक्ष के जो लोग हैं उन लोगों को इन्हें पैसे नहीं मिला होगा इस कारण इसने माइती लगा के इनको बदनाम कर रहे हैं. ये ऐसा सरपंच इस गांव में नहीं बनना चाहिए. वो विकास करने वाला करके वो बदनाम करके ये गाँव के लोगों को भड़का रहा है. सर जी बात ऐसी है कि जो गांव से तकरार गई है अच्छा वो तकरार बेबुनियाद है, तर्कहीन है, अपने मन से बनाई हुई कहानियों के आधार पर गांव को बदनामी करने की, प्रशासन को बदनामी करने की ये एक चाल है. तकरारकर्ताओं का कहना ये है कि एमएलए फंड से बने हुए काम को बता करके जन सुविधा का काम के पैसे निकाले गए जबकि उनकी तकरार के उलट रिकॉर्ड है. जन सुविधा का काम पहले हुआ है. जन सुविधा का काम की पूर्णत्व का प्रमाण पत्र जिसे सीसी कहा जाता है जो बीडीओ के तरफ से ईई की तरफ से जेई के तरफ से बनता है वो सीसी 2/12/21 को बनी है. मतलब जन सुविधा का काम पहले हो चुका था वहां पे. उसके बाद में एमएलए फंड का काम हुआ है जिसकी सीसी 15/2/22 को बनाई गई है और इनका कहना पूरी तरह उल्टा है और इस तरह से गांव के लोगों को गुमराह किया जा रहा है. प्रशासन को गुमराह किया जाता है, अधिकारी वर्गों को गुमराह किया जाता है. कोई भी चीजें ऐसी बताया करो जिससे गांव की बदनामी ना हो, गांव के प्रशासन की बदनामी ना हो. आरोप ये बेबुनियाद है. सबसे पहले जन सुविधा की रोड हुई है नियमों के अधीन, उसके बाद में जो एमएलए फंड के जो 3-3 लाख के 4 काम है वो भी हुए हैं. रोड अपने ही जगह है. ये लोग अभी बदनाम करने के लिए ये सब कर रहे हैं, गाँव का नाम खराब कर रहे हैं. इसके पहले भी उनने कई माइती के अधिकार लगा दिए, कुछ हुआ नहीं है. मैंने एक ऐसा निर्णय लिया था कि किसी के यहाँ भी मृत्यु होती उनको 1500 रुपये ग्राम पंचायत से देंगे. बेटी जिसके यहाँ पहले दाम्पत्य के होती है उसको 1100 देंगे. इसके ऊपर हामी भरने के बाद भी इनने वीडियो साहब को तकरार किए कि ये हमारे बिना साइन से ठहराव पास किए जबकि ये भी झूठ था. रोड गोबरधंजे नागपुरे से लेकर के शिव मंदिर तक ये रोड गया है. ये विनोद अग्रवाल के स्थानीय विकास निधि के रोड है और अभी अपन ने जो देखे वो जनसुविधि का रोड है. दोनों रोड अपने जगह पर जो इस्टीमेंट कास्ट थी, इस्टीमेंट में जितना स्क्वेयर फीट था उतना स्क्वेयर फीट ग्राम पंचायत ने बना चुकी है. ये कुछ दलाल टाइप के जो लोग हैं ये गांव में कैसा वैमनस्य फैलाना, गांव में सामने में जो अच्छे काम हो रहे हैं तो ग्राम पंचायत में चाहे फिर से इनकी बावड़ी आएंगी अच्छे काम करने वालों की, करके उनको बदनाम करने के लिए कुछ बिकाऊ पत्रकारों के साथ मिलकर के ये लोग इस तरह से गांव को बदनाम कर रहे हैं. वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम न्यूज में अब बस इतना ही. कल मिलेंगे फिर कुछ नई खबरों के साथ. तब तक के लिए देखते रहिए वीकेबी न्यूज. नमस्कार.